नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। एक बार फिर एक्शन में आए के पाठक। जी हां, बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर सूबे में अफरा तफरी का माहौल है। सर्वे में एक बात सामने आ रही है कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा। सरकार भी इस बात को मान रही है कि भूमाफियाओं ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रखा है और ऐसे वो लोग भूमि सर्वेक्षण कराने के निर्णय से काफी ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने भूमि पर कब्जा किया है। हालांकि सरकारी भूमि पर कब्जा के खेल में सरकारी अधिकारी ही भूमाफियाओं की मदद भी करते हैं। इसी तरह के एक मामले में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सूबे से सबसे चर्चित और कड़क IAS अधिकारी के पाठक संभाल रहे हैं। राजस्व परिषद ने ही बेतिया राज में हो रही गड़बड़ी को पकड़ा है और व्यवस्थापक अविनाश कुमार को सस्पेंड करने की सिफारिश भी करी है। बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया। सरकार के पत्र में कहा गया है कि राजस्व परिषद ने 30 अगस्त 2024 को बेतिया राज्य के व्यवस्थापक अविनाश कुमार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आरोप पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया कि अविनाश कुमार ने राजस्व परिषद के अनुमोदन के बिना ही अनुचित ढंग से बेतिया राज्य के कर्मी सुरेश राउत को अपने पद से उच्चतर पद का वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया। बता दें कि बेतिया राज से संबंधित न्यायिक वादों में कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष सही तरीके से नहीं रखने का भी आरोप लगा। न्यायिक वादों के निष्पादन में रुचि नहीं ली, बेतिया राज के प्रबंधन को लेकर समुचित कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, बेतिया राज की भूमि का सर्वेक्षण अतिक्रमण मुक्ति से संबंधित कार्यों में रुचि नहीं ली, बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहे, कार्य में लापरवाही बरती, तो ये तमाम आरोप उन पर लगे और इन आरोपों के लिए राजस्व परिषद ने 30 अगस्त को आरोप पत्र गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासन सेवा के अधिकारी सब बेतिया राज के व्यवस्थापक अविनाश कुमार को इस मामले में निलंबित कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह आगे भी कार्रवाई जारी रहती है या नहीं। लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं अगर आपके क्षेत्र में भी देखने को मिलती है कि अवैध तरीके से अगर भूमि पर कब्जा किया गया हो, जो कि सरकार के नाम पर जमीन हो और उस पर कब्जा बहुत सारे लोग कर लेते हैं और इसमें संलिप्तता जो होती है वो सरकार के ही आदमी की होती है, तो ऐसे लोगों पर सरकार अब नकेल कसने की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो इसकी शिकायत जरूर करें ताकि ऐसे लोगों पर सरकार बड़ी कार्रवाई कर सके। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।